द सेट कुर्ता एंड सिगरेट पैंट सेट. चैनल आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है. तो मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप लाइफस्टाइल शॉपिंग हॉल रिलेटेड सारी चीज़ों का वीडियो, तो मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं एंड ऑल के नोटिफिकेशन पर प्रेस करेंगे तो मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी. सो आज का ये वीडियो होने वाला है एजियो शॉपिंग हॉल. तो पिछले कुछ महीनों से, लगभग 3 से 4 महीनों में एजियो से बहुत सारी शॉपिंग कर ली है. सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरा छोटा सा, मेरी भाभी का बाबू है उसके लिए, नीस के लिए, सबके लिए मैंने शॉपिंग कर ली है. तो जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी. तो ये जो हॉल होने वाला है ये 2 पार्ट्स में जाएगा, क्योंकि 1 पार्ट में मैं कवर नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और उन सारी चीज़ों को एक वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे और आप भाग जाएंगे स्किप करके. सो मैं वो नहीं चाहती, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. तो जो फर्स्ट पार्ट होगा मेरे से और मेरे हस्बैंड से रिलेटेड आइटम है वो मैं इस फर्स्ट हॉल में शेयर करूंगी एंड देन सेकेंड हॉल में बाकी फैमिली मेंबर्स का शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करूंगी. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ आइटम्स के टैग्स मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ और कुछ आइटम्स के टैग अभी भी टैग के साथ में है क्योंकि मैं अभी तक उनको एक भी बार यूज़ नहीं की हूँ. इसलिए ये जो टॉप है ये भी टॉप एजियो का ही है. आप देख सकते हैं कितना अच्छा कॉम्फी टॉप है, बिल्कुल ये कॉटन का है एंड आपको मैं आगे बताती हूँ सब. तो कुछ के टैग्स हैं एंड कुछ के टैग्स नहीं हैं. तो जिनके टैग्स नहीं हैं और वो पुराने नहीं हुए हैं तो पुराने होने से पहले मैं सोची आपको शेयर कर दूँ, क्योंकि भी एजियो पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं. आप उनको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं उन सारे ऑफर्स को. इवन जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं उससे भी कम प्राइस में सेम प्रोडक्ट आपको मिल सकता है. अबाउट 70% प्रोडक्ट आपको मिल सकता है उससे भी कम प्राइस पे. तो आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो आप नीचे लिंक दिए गए हैं उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट एजियो के ऐप पे या फिर एजियो के पेज पे पहुँच जाएंगे और आप वहाँ से प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथनिक वेयर्स की. तो एथनिक वेयर में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया है, सिर्फ कुछ सेट्स मंगाए हैं. जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का है. ये है एक कुर्ता, ये है एक कुर्ता एंड इसमें साइड में स्लिट नहीं है, ये बंद है, ये इसमें स्लिट नहीं है और ब्राउन इन कलर में है. और इसका जो फैब्रिक है वो क्रेप है, जो सॉफ्ट वाला क्रेप होता है वो फैब्रिक है. इसके स्लीव्स में जॉर्जेट का फैब्रिक है एंड इसके जो गला साइड है नेक साइड में भी आपको जॉर्जेट का फैब्रिक मिलेगा. इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है और जो इस पर प्रिंट है ये फॉइल प्रिंट है. ये ऑल ओवर आपको फ्रंट साइड में प्रिंट मिल जाएगा एंड बैक साइड में इट इज़ टोटली प्लेन. और जैसा आप कहते हैं ना अम्ब्रेला वाला सूट, वैसा अम्ब्रेला है पर इतना ज़्यादा घेरा नहीं है. पहनने पे बहुत अच्छा लगेगा. आप साइड में कहीं वीडियो में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर. तो यस, फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस. इसके साथ में मुझे पैंट रिसीव हुआ था. पैंट इतना अच्छा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. ये प्लेन है एकदम पैंट और इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ पहना जा सकता है. आप किसी भी चिकन करी कुर्ते के साथ में, अगर व्हाइट कुर्ते के साथ में ब्राउन पेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा. इवन पिंक के साथ भी अच्छा लगेगा, ब्राउन के साथ भी अच्छा लगेगा, किसी भी कलर के साथ में ये पैंट जाएगा. आप इसको पेयर कर सकते हैं. सो साइड में यहाँ पे स्लिट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्लिट दिया हुआ है एंड इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है क्योंकि इसका फैब्रिक ऐसा है, ये क्रेप का फैब्रिक है तो आपको थोड़ा भी टाइट नहीं लगेगा. ये बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा आपके लेग्स में. तो साइज़ है जो इनका साइज़ एस है. मैंने सारे साइज़ कुछ एस कुछ एम करके मंगाए हैं बट इनका साइज़ एस है. ये ब्रांड है जनासिया और जो इसका ओरिजिनल प्राइस है एंड मैंने इसको कितने में लिया है उसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट कहीं पे आपको वीडियो में यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे दिख जाएगा. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी एक कुर्ता एंड सिगरेट पैंट सेट है. जो कुर्ता है वो कुछ इस तरीके का है, नेवी ब्लू कलर में है. नेवी ब्लू कलर में ये कुर्ता है और देखिए इसका कलर कितना प्यारा है और इस पर भी ऐसा कुछ फॉइल प्रिंट दिया हुआ है एंड सेम साइड में स्लिट नहीं है, ये साइड की स्लिट ऐसे बंद है. इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा आता है और इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी, इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी थी, ऐसी फ्लेरी हैं. अंदर से ऐसा स्लीवलेस है बट ऊपर से ऐसा जॉर्जेट का ये क्लॉथ लगाया गया है और ये फ्लेरी है एकदम से. तो ये बहुत अच्छा फॉल आता है दोनों तरफ और अगर आपके बाजू डोले
हैं तो वो दिखेंगे नहीं इसमें, बहुत अच्छे लगेंगे। आजकल मेरे साथ ऐसा हो गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ इस तरीके का है ये, और ये काफ़ी लॉन्ग है, मतलब ये नी के नीचे तक आपको जाएगा। और इसका फैब्रिक भी क्रेप है, इसका ब्रांड भी जनासिया है, जनासिया ब्रांड है। एंड इसके साथ जो पैंट है वो नेवी ब्लू कलर का प्लेन पैंट मिला है, और इसका फैब्रिक जो है वो क्रेप है सॉफ्ट वाला। तो ये भी साइज एस में है, दोनों जो कुर्ते थे वो मेरे साइज एस में ही हैं। सो दिस इज माय सेकंड कुर्ता है। इसका कुर्ता दिखने में कुछ ऐसा है, ये वाइट कलर में है ये भी सेम, एंड इस पे ऐसे फ्लावर प्रिंट दिए गए हैं ब्लू एंड ब्लैक से, जो कि अच्छा दिख रहा है, बढ़िया लगता है इसको पहनने पे। ये जो प्रिंट है ये वाइट बेस पे बहुत अच्छा लगता है। इसके स्लीव्स फुल हैं, फुल मेरे को आती है, अगर किसी को शॉर्ट आएगी, क्योंकि मेरे छोटे हाथ हैं तो ये स्लीव्स मुझे फुल आती हैं। एंड ये काइंड ऑफ अंगरखा कुर्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे स्लिट गई है और ये साइड में यहाँ पे जा करके स्टिच्ड है। तो ये काइंड ऑफ अंगरखा कुर्ता है एंड अनारकली टाइप का है, आप देख सकते हैं ये पूरा फ्लेयर है, पूरा फ्लेयर इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है एक्चुअली, इसका फ्लेयर बहुत अच्छा। और ये प्योर कॉटन मटेरियल है, वो दोनों क्रेप थे पर ये प्योर कॉटन है, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और इसका जो ब्रांड है वो है ईव्स, ये ईव्स ब्रांड की तरफ से है। पैंट साइड, तो पैंट जो है ये भी वाइट कलर का है, एंड यहाँ पे इलास्टिक दी हुई है पीछे के साइड में, आगे के साइड में बेल्ट है, एंड इसमें एक साइड में जेब पॉकेट है ऐसा, जो कि बहुत अच्छा होता है ये पॉकेट, इसमें आप मोबाइल फ़ोन कुछ भी रख सकते हैं। एंड एंड पार्ट में ये लगा हुआ है कुछ इसी तरीके का, जो प्रिंटेड क्लॉथ था वो एंड में लगाया गया है। तो ये पैंट मुझे थोड़ा सा लंबा है, मुझे शायद यहाँ से कुछ कट करवा के इसको वापस से ऊपर पेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये, और जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका ना, ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा भी प्योर कॉटन है पर इतना सॉफ्ट है, और ये इतना हल्का दुपट्टा है कि आपको लगेगा नहीं कि आपने बहुत भारी से दुपट्टा लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ट्राई ऑन हॉल में कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो दुपट्टे में पूरा दुपट्टा लंबा है, चौड़ा है, बहुत अच्छा ऐसी डिज़ाइन मिल जाएगी जो ऑलरेडी उस कुर्ते पे था, एंड देन होल दुपट्टे में ऐसी बूटी बूटी डिज़ाइन मिल जाएगी जगह जगह पे, एंड देन फिर इधर भी ऐसा ही डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट, एंड नाउ मूविंग टू द वेस्टर्न लुक। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा ये टॉप, ये टॉप प्योर कॉटन का है, कॉटन नहीं, ये टॉप रेयॉन है, एक्चुअली रेयॉन कॉटन मिक्स है। एंड इसका जैसा प्रिंट आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट बहुत ही प्रिटी है, कलर जो बेस कलर है वो बहुत अच्छा है, एंड साइड में शोल्डर में आपको ऐसे कुछ फ्रिल्स मिलेंगे, आपको जो नेक लाइन है वो नेक पूरी राउंड मिलेगी, एंड पीछे से एक बटन मिलेगा टाई करने के लिए, एंड देन ये फुल स्लीव लेंथ है, यहाँ पे आपको इलास्टिक मिलेगी, यहाँ पे इलास्टिक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इलास्टिक है एंड फुल स्लीव्स लेंथ है। तो ये आप सर्दियों के लिए भी फ्रेंडली है, आप इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं, इसके अंदर इनर पहन लेंगे तो भी दिखने वाला कुछ नहीं है, आप गर्म भी महसूस करेंगे और साथ ही साथ में आप फैशनेबल भी दिखेंगे। सो दिस वॉज माई फर्स्ट वेस्टर्न क्लॉथ। एंड देन मूविंग टू द सेकेंड टॉप, जो सेकेंड टॉप है वो कुछ इस तरीके के फैब्रिक में है, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका फॉल बहुत अच्छा बॉडी पे आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राई ऑन हॉल में। इसके बाजू शॉर्ट है और ये वी नेक में है, शॉर्ट वी नेक में है, यहाँ पे एक जेब दिया हुआ है जहाँ पे फेक ऐसा चेन वाला जिप वाला लगा हुआ है। एंड जो इसका ये फैब्रिक है ना, ये जॉर्जेट में है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा जॉर्जेट का फैब्रिक लगाया गया है शोल्डर पे दोनों साइड। तो ये कुछ इस तरीके का एंड है, फिग, ये फिग ब्रांड की तरफ से है, इसका MRP आप नीचे देख सकते हैं। साइज एस में है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेरी साइज एस में ही मैंने परचेज किया है, क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें डेली वेयर कुर्तियाँ मंगवाई थी जो कि साइज एम में मैंने मंगवा ली थी, तो उन्हें मुझे थोड़ा सा साइड साइड से स्टिच कराना पड़ा, लेकिन मुझे घर में ही पहनना था तो इसलिए मैंने स्टिच नहीं करवाया, मैं उसको घर में पहन पहन के थोड़ा सा पुराना भी कर चुकी हूँ। कुर्तियाँ डेली वेयर की मैंने घर के लिए मंगवाई थी, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ये भी कुर्ती परचेज की है, वो सारी आपको अंडर 200 मिल जाएंगी। ये सो द नेक्स्ट टॉप इज दिस, इट इज़ इन
नियॉन ग्रीन कलर, और मुझे ऐसा कलर बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये ब्लू जीन्स के साथ, व्हाइट जीन्स के साथ या ब्लैक जीन्स के साथ, तीनों के साथ बहुत अच्छा जाता है। जो आगे का एरिया है वो राउंड है, सब कुछ नॉर्मल है, बट जो बेस्ट पार्ट है वो है पीछे का। ये पीछे वी नेक है एंड वी नेक के साथ साथ में ऐसे पर्ल्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे पीछे वी नेक के जो टी शर्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ढूंढती रहती हूँ मुझे कहाँ मिलेगा, लिटरली मैं ले लेती हूँ जहाँ से मिलता है। तो इसका कुछ इस तरीके का फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, वो एम साइज है। ये इसको मैंने एम साइज में लिया था, तो मैं डिफर करके एक साइज एस या एम ऐसे करके डिफर करके लेती हूँ कि मान लिया कोई चीज़ छोटी पड़े या कोई चीज़ बड़ी पड़े तो वो मैनेज हो जाए। तो इसलिए कुछ चीज़ें फिट रहती हैं या कुछ चीज़ें लूज रहती हैं तो अच्छी लगती हैं। सो द नेक्स्ट स्टॉप इज दिस। हेलो फ्रेंड्स, पानी पी लो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो पोल्का डॉट आजकल मेरे दिमाग पे बहुत चढ़ रहा है, मुझे पोल्का डॉट बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैंने ये टॉप लिया। और ये टॉप लिटरली बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। पीच एंड ब्राउन मिक्स कलर है जो बेस कलर है, और उसके ऊपर व्हाइट पोल्का डॉट्स हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इसकी। एंड जो इसके स्लीव्स हैं वो ऐसे हैं, यहाँ से जा करके आधे प्लेन है, देन यहाँ से कुछ बेल स्लीव्स हैं यहाँ तक गए हुए हैं, एंड यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से है, सामने आपको टाई अप करने के लिए दिया हुआ है, एंड साइड साइड में बिल्कुल नॉर्मल सा टी शर्ट है कॉटन का। और ये भी ब्रांड फिग की तरफ से है, FIG फिग की तरफ से, एंड साइज इज एस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जीन्स। जो पहला जीन्स है वो है ग्रे इन कलर में, पहला जीन्स है ये ग्रे कलर का, और इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट सा है, अच्छा है। ये जो ये पहनने के बाद आपको टाइट फिट नहीं होगा, ये थोड़ा सा आफ्टर नीज ये थोड़ा सा ढीला रहेगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सारे जीन्स जब नीचे तक टाइट रहते हैं ना, तो वो ब्रीदेबल नहीं होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा उलझन होने लगता है। एंड जब ऐसे जीन्स होंगे तो आप इसके नीचे ठंडियों में इनर भी पहन सकते हैं। एंड इसका जो नीचे का है वो कुछ ऐसा है डिज़ाइन, नीचे का लेंथ लेंथ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन है एंकल पे, एंड सेकंड पे भी कुछ ऐसा डिज़ाइन है। इसके पीछे दो पॉकेट्स हैं एंड आगे भी दो पॉकेट्स हैं, बेल्ट लगाने की जगह है, एंड साथ में इसके यहाँ पे चेन की जगह पे, जिप की जगह पे यहाँ पे तीन बटन्स दिए हुए हैं जो बहुत अच्छे से बंद हो जाते हैं। इनको अच्छे से बंद कर लीजिए और उसके बाद ये फिट बहुत अच्छा होता है। तो ये ग्रे कलर का जीन्स बहुत ही अच्छा था मेरे पास, लगभग सब कलर के हैं पर ग्रे कलर का जीन्स नहीं था काफ़ी दिनों से, तो मुझे एक परचेज करना था। तो ये है फर्स्ट जीन्स, एंड देन सेकेंड जीन्स इज इन ब्लैक शेडी, ब्लैक शेडी जो शेड्स हैं थोड़े थोड़े इसमें इस कलर में है, ऐसे बीच में थोड़े से ग्रे कलर के शेड्स आ रहे हैं, एंड ये ब्लैक इन कलर में है। इसका जो ब्रांड है वो DNMX है। एंड जो लास्ट वन जीन्स था, इसका जो साइज है वो है 30 साइज में है ये मेरा ग्रे वाला जीन्स, एंड इसका जो ब्रांड है वो रियो का है, रियो ब्रांड की तरफ से ये जीन्स है। एंड जो मेरा नेक्स्ट जीन्स है वो ब्लैक एंड कलर में है, इसका जो ब्रांड है वो DNMX का है, एंड ये भी साइज 30 में ही है, पर ये स्ट्रेचेबल है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, अच्छा वाला स्ट्रेचेबल है, एंड ये टाइट फिट है, मतलब आपके एंकल लेंथ तक ये कम्प्लीटली जाएगा एंड ये फिट रहेगा आपको। सो नीचे एंकल पर ये तीन बटन्स दिए हुए हैं जो कि ओपन भी हो जाएंगे, अगर आप इन्हें ओपन करना चाहें तो ये ओपन भी अच्छे से हो जाएंगे। अगर आप ओपन करके पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, अलग अलग तरीके से स्टाइल करके पहन सकते हैं। बेल्ट लगाने के लिए चारों तरफ वेस्ट पे ऐसे जगह दी हुई है, पॉकेट्स हैं, 4 पॉकेट्स हैं पीछे दो आगे दो, एंड देन यहाँ पे छोटू वाला पॉकेट भी है जो एक पॉकेट के अंदर पॉकेट होता है दूसरा वाला, एंड यहाँ पे जिप दी हुई है बंद करने के लिए, यहाँ पे एक और बटन दिया गया है। तो ये है सेकेंड, थोड़े बहुत जो छोटी मोटी चीजें ली है मैंने वो। नेक्स्ट मूविंग टू द बेल्ट, ये बेल्ट भी मैंने AJIO से लिया है, ये बेल्ट ऑफ व्हाइट कलर में है, एंड इस पे कुछ इस तरीके के थ्रेड वर्क किए हुए हैं, पूरे बेल्ट पे कुछ इस तरीके के थ्रेड वर्क किए हुए हैं। एंड बेल्ट्स का भी कोई साइज होता है, ये मुझे अभी पता चला लास्ट टाइम, ये एल साइज में है, एल साइज में मैंने सारे बेल्ट्स ले लिए, कि मान लिया बड़े होते हैं तो इनमें ऐसे होल कराया जा सकता है, पर अगर छोटे होते हैं तो फिर वो किसी को देना ही पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे होल्स हैं, पर मुझे लगता है इसमें एक दो होल और कराना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके का, इसका बकल बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है, ये खराब होने वाला मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, टूटने वाला मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, एंड
प्राइस वाइज ये 400 का तो था, ये 400 में मैं ले नहीं सकती थी, इसका प्राइस बहुत ही सस्ता है, कुछ 150-200 में मुझे ये बेल्ट मिल गया था। आप स्क्रीन पे प्राइस देख सकते हैं, तो ये बेल्ट भी अच्छी चीज़ है। एंड देन मूविंग टू द सेकेंड बेल्ट, तो दूसरा बेल्ट जो है वो ऐसे कुछ ब्लैक कलर में है और ऐसे कुछ स्टड्स इसमें लगे हुए हैं, तो इनको मैं ड्रेसेस के साथ में पेयर करने के लिए ली थी कि जब भी मैं ड्रेसेस वेयर करूँगी तो उसमें यहाँ पे शायद आपको दिखे ना, यहाँ पे जो वेस्ट लाइन होती है, वेस्ट में ऐसे बेल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो स्टड्स होते हैं, तो इनका जो स्टड है वो बहुत ही स्टर्डी है, निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो और यहाँ पे ऐसे ही है, होल्स दिए हुए हैं, ये भी साइज एम में था, इसको मैंने साइज एम में लिया है। और इसमें कुछ ऐसे स्टार स्टार शेप एंड देन एक डायमंड, देन स्टार स्टार, देन एक डायमंड, ऐसे करके पूरे बेल्ट में ऐसा ये ब्लैक एंड कलर का बेल्ट है। तो नेक्स्ट मूविंग टू द हेयर बैंड, ये हेयर बैंड मैंने रैंडमली ऑर्डर कर दिया था, पर ये हेयर बैंड बहुत ही अच्छा निकल गया और मुझे ये बहुत पसंद आया। ये लगभग 275 रुपीस का ये हेयर बैंड था, और जैसा कि आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं, ये बैंड बहुत ही क्यूट लगता है, अच्छा लगता है मेरे वीडियोज़ के लिए, मेकअप वीडियोज़ के लिए, या फिर आप स्किन केयर कर रहे हो, स्किन केयर में भी ये बहुत ही अच्छे से ये बैंड जाता है, आपके बाल बार बार आगे नहीं आते हैं, अच्छे से पीछे ही रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका जो फैब्रिक है वो काइंड ऑफ जॉर्जेट, टाइट वाला जॉर्जेट होता है ना, वैसा जॉर्जेट है, तो अच्छा है, ये कॉटन नहीं है, जॉर्जेट में है, एंड बट ये है बहुत अच्छा, तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बैग, जो कि मनी बैग है, इसको मैं कहती हूँ, क्लच नहीं है, ये मनी बैग है, और इसमें मैं अपने पैसे, अपना आधार कार्ड वगैरह वगैरह कुछ रखे रहती हूँ, इसमें आधार कार्ड, ATM कार्ड्स वगैरह वगैरह इसमें पड़े हुए हैं। तो ऐसा है कुछ बैग, इस पे ऐसा छोटा सा बो दिया गया है, जो इसका कलर है ना, वो कलर बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, और जो ऐसे वाले बैग्स होते हैं ना, शाइनी बैग्स, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ऐसे मैट बैग्स पसंद हैं जिसमें मैं पैसे वगैरह रखती हूँ, तो इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। पीछे ऐसे जिप दिया हुआ है, कुछ भी चीज़ आप रख सकते हैं, देन बो है, देन यहाँ से ओपन होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे वन एंड टू, टू कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, दो कंपार्टमेंट में आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे वाले जगह होती हैं, मुझे लगता है इनका कोई यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे आप वो कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, और ये ऐसे चुटपुटी से बंद होता है, ऐसे बंद होता है, सो दिस इज द बैग, एंड यहाँ पे साइड साइड में ब्लैक से आउटलाइनिंग भी हुई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने मेरे हस्बैंड के लिए लिए हैं, तो इनके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, पर बहुत सारी चीज़ें ये पहन चुके हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये पहन चुके हैं, एंड कोई भी चीज़ इनकी शायद टैग के साथ नहीं होगी, क्योंकि तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट उनके लिए मैंने लिया है वो है ये लोअर, ये लोअर है, और इसका जो फैब्रिक है वो जिम वाला फैब्रिक होता है ना, अंदर कुछ ऐसा नेट टाइप का दिया हुआ है, जो कि आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं, इसको ठंडियों में भी पहन सकते हैं, ठंडियों में अंदर आप इनर डाल करके पहन सकते हैं। तो इनके लिए सारी चीज़ें मैं एक नंबर बड़ा ही मंगवाई हूँ, क्योंकि जो फिट रहता है वो चीज़ उतना अच्छा नहीं लगता है, पर जो थोड़ा सा लूज होता है तो उसमें लुक अच्छा आता है। तो ये है उनके लिए पहला लोअर, नीचे एंकल में ऐसा आपको कुछ मिलेगा जो कि इलास्टिक रहेगा दोनों साइड में, दोनों एंकल्स में, एंड फ्रंट साइड में ऐसा मिलेगा ये चीज़, एंड यहाँ पे बांधने के लिए डोरी मिलेगी, एंड बैक साइड में ऐसा इलास्टिक मिलेगा ब्लैक कलर का। तो दिस इज़ द फर्स्ट लोअर, दोनों तरफ आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे, एंड इस पॉकेट में जिप नहीं है, विदाउट जिप है ये पॉकेट, एंड ये जो ब्रांड है वो है परफॉर्मेक्स की तरफ से। तो परफॉर्मेक्स ब्रांड जो होता है वो जिम वाले प्रोडक्ट्स निकालता है, जिम वाले जैसे एप्रिल्स निकालते हैं, टाइट्स हो गए, और जो स्पोर्ट्स ब्राज होते हैं वो, या फिर टॉप्स स्पोर्ट्स वाले जिम वाले ऐसी चीज़ें निकालते हैं, मेन्स के लिए, वुमेन्स के लिए बोथ। तो ये अच्छी ब्रांड है, क्योंकि मैंने भी इसमें से कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, तो मुझे ये ब्रांड अच्छा लगा है। जो इसका साइज़ है वो है XL, मेरे हस्बैंड का साइज़ L है, बट मैं XL उनके लिए परचेज की थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट, मूविंग टू द सेकेंड प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट इज़ दिस ऑफ वाइट फुल टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट, ये कुछ इस तरीके का है। जो इसका नेक है ये ऐसा है, एंड यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, चार बटन्स दिए हुए हैं बंद करने के लिए, बट वो हमेशा ओपन ही रखते हैं, उनको पसंद है ऐसे ही, एंड ये फुल स्लीव्स है।
तो इसमें ये ऑफ वाइट कलर का है, नॉर्मल सा है टी शर्ट, कॉटन है, कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल है, तो इसलिए ये टी शर्ट अच्छा लगा। जो इसका ब्रांड है वो है टीम स्पिरिट एंड ये साइज XL में है। सो दिस इज द सेकेंड फर्स्ट टी शर्ट एंड सेकेंड प्रोडक्ट। मूविंग टू द सेकेंड टी शर्ट, सेकेंड टी शर्ट जो है वो ऐसा ब्लू इन कलर में है, वैसा ही सेम है, फुल स्लीव्स हैं, आगे थोड़े से बटन्स दिए हुए हैं जिनको खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फेक बटन है, फेक बटन है, ये ओपन नहीं होंगे। एंड फुल स्लीव्स के साथ साथ में यहाँ बैक पर ये कुछ ऐसा यूथ यूथ करके लिखा है, माइंड योर ओन वे ऐसा करके ये पीछे कुछ मैसेज दिया हुआ है। ब्रांड है वो है टीम स्पिरिट, ये भी टीम स्पिरिट ब्रांड की तरफ से है एंड इसका साइज है XL। टीम स्पिरिट ब्रांड की तरफ से है, इसका साइज भी XL है, L इनको लगता है पर मैं XL मंगाती हूँ। ये शॉर्ट स्लीव्स में है एंड इस पर कुछ इस तरीके का पट्टी दिया हुआ है, इस पर कुछ पे लिखा हुआ है कर्सिव राइटिंग में, ओ इन्फ्लुएंसर। तो ये पूरे टी शर्ट पे ऐसा है चेस्ट साइड में एंड जो स्लीव्स हैं इसकी यहाँ पे ये थोड़ा सा वाइट है एंड फुल ऐसी स्लीव्स हैं एंड टी शर्ट ऐसा कुछ है। सो नीचे यहाँ पे कुछ स्टार रेडियम वाले दिए हुए हैं, ये रात में अच्छा लगता है, चमकता है, तो ये रेडियम वाला स्टार दिया हुआ है एंड या नेवी ब्लू कलर में टी शर्ट है, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लग रहा है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टी शर्ट है वो वाइट कलर में है एंड जो इसका प्रिंट है वो कुछ इस तरीके का है, वाइट कलर में है एंड प्रिंट इसका ऐसा है और इस पर लिखा हुआ है स्कैटिसिटी, इस पर लिखा हुआ है येलो एंड ब्लैक में एंड कंफर्टेबल टी शर्ट है, अच्छा है, आराम से ये पहनते हैं, शॉर्ट स्लीव्स हैं, प्लेन टी शर्ट है तो इसलिए ये इसको घर में पहन सकते हैं, जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा, या वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ भी पहन सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट टी शर्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट टी शर्ट, सो जो नेक्स्ट टी शर्ट है उसको भी इन्होंने उल्टा करके रखा है, मैं उसको पहले सीधा करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो जो नेक्स्ट टी शर्ट है वो है ऐसे खाकी कलर में, मुझे ऐसे खाकी कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये प्लेन टी शर्ट है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो लिखा हुआ है एंड इसका भी, इसका जो ब्रांड है वो DNMX की तरफ से है, AGOP, DNMX, रियो और सारे ब्रांड्स मिलते हैं आपको, लेकिन जो ट्रेंडिंग ब्रांड्स हैं वो DNMX, रियो हो गया, AGO हो गया, ये सारे ट्रेंडिंग ब्रांड्स हैं, टीम स्पिरिट, तो ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सस्ते सस्ते आपको मिल जाते हैं। देन पीछे यहाँ पे कुछ ऐसा इस तरीके का लिखा हुआ है बहुत सारा, जिसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मतलब है अपने आप को, तो डिज़ाइन से एंड फैब्रिक से एंड कलर से, तो इसका फैब्रिक एंड कलर एंड डिज़ाइन सब कुछ बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मेरे हस्बैंड के लिए, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए लिया है वो है ये शूज़, ये शूज़ ग्रीन इन कलर में है और ये शूज़ मैं बता दूँ बहुत सस्ते हैं, ऐसे शूज़ आप बहुत सारे ले सकते हैं, एक दो बार, पांच बार पहना या बार बार भी पहना, बहुत सारे हैं तो चेंज कर करके आप पहन सकते हैं। सो ये शूज़ का जो साइज़ है वो है 9 नंबर साइज़ में मैंने लिया, एक नंबर बड़ा मंगवाया क्योंकि सॉक्स पहनने पे वो बहुत टाइट हो जाते हैं एंड जो इसका ब्रांड है वो AGO है और इसमें लेस की डिज़ाइन, लेस इस कुछ इस तरीके से दिया गया है एंड साइड में कुछ ऐसे डॉट डॉट वाले डिज़ाइंस हैं ऐसे करके एंड सोल इसका बहुत ही अच्छा है, स्टर्डी है, ख़राब होने वाला सोल नहीं है और बहुत ही हल्के जूते हैं। जो फुटवेयर होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कितना वो हल्का है, अगर हल्का है तो आपको कंफर्टेबल रहेगा एंड वो आपके लिए डेली वेयरेबल रहेगा। सो या दिस वाज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, तो आज के वीडियो में मैंने कवर किया है मेरा अप्रैल, मेरी शॉपिंग एंड मेरे हस्बैंड की शॉपिंग, जो कि दोनों शॉपिंग मैंने ही की है, ये दोनों चीज़ें कवर हो गई हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी जो मैंने मेरे फैमिली के लिए शॉपिंग की है। वीडियो आज कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट मीन्स अ लॉट टू मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।